हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड में इन दिनों कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की धूम मची हुई है। फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वहीं अब लीजिए फिल्म के 12वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। बता दें कि कंगना की फिल्म ने 12वें दिन 2.5 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म अब तक 80.95 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट के जरिए दी है। बता दें कि कंगना की ये फिल्म बीच में ढीली पड़ गई थी, लेकिन फिल्म को लेकर अब जिस तरह का ट्रेंड है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। वैसे भी इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिसका फायदा कंगना की इस फिल्म को मिलने वाला है। रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म इस साल की पहली वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इस फिल्म ने पहले 3 दिन में ही 42.55 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। बता दें कि मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। कंगना और क्रिश के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 3,700 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट 125 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म में कंगना के अलावा अंकिता लोखंडे, अतुल कुलकर्णी और डेनी जैसे स्टार्स ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि मणिकर्णिका कब तक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। सबसे पहले तो ये जो आपका ब्राइडल लुक है, मणिकर्णिका का लुक है, लेकिन आपसे जाना और यहाँ पे भी आप उस लुक में प्रेजेंट हैं, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। वेल, जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीताजी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है जो आज ये बन पाया है या जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है, और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। बट वी बीन वेरी ग्रेटफुल टू हैव एन एसोसिएशन विद आम्रपाली फॉर द फिल्म। कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है, और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए, और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, यस, what do you want to say regarding that? नहीं, वेल, हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं, और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं,
तो ये उन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो हैं, दोनों ही जो महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। वेल, उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फिल्म एक इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो, और सदगुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है, मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं एक अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सदगुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके मामा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकें, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। अश्विनी मनोज कंगना मैम यहाँ पे, मैम नहीं यहाँ पे, मैम यहाँ दम भर हो रहा है, पीछे बैठना बैठना है, सब लोग फ्रेम में है। कंगना मैम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कंगना मैम यहाँ पे, मैम मैम बाय बाय। कंगना जी यहाँ पे देखिए एक बार, थैंक यू सो मच मैम, हो गया ना मेरा भाई, नीता मैम यहाँ पे ये सर से संभाली, एक नहीं वो तलवार का, हाँ आ जाओ जो तलवार की वो ब्लॉक हो जाएगा मैडम, चलो हमें यहाँ पे कंगना मैम यार अपना फोटो फोटो बंधु को बता देना, हो गया हो गया हो गया, थैंक यू। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, बिकॉज हमारी जो डिजाइनर है नीता जी, इन्होंने हमारी टीम मणिकर्णिका के लिए बैश होस्ट किया है, सो यू नो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी सेलिब्रेटिंग विद द टीम एंड फैमिली के साथ तो सभी करते ही हैं, बट व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद द टीम मोर देन 2 years देन यू बिकम अ फैमिली, तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही लेकिन वी कैन इन्जॉय सम टाइम, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं, वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ यू नो इन्जॉय इन दैट कैपेसिटी। What I have to say about her, how was the experience working, and like how much input also was there from your guys? She spoke like Kangana ne bhi bahut ki. मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई भी कॉस्ट्यूम को लेके इनपुट दिया हो, आई वाज सो बिजी डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स एंड दैट्स द थिंग विद यू नो व्हेन अ डिपार्टमेंट कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ यू नो ओन्स वन डिपार्टमेंट व्हेन एन आर्टिस्ट लाइक नीता जी, इट इज सच अ बिग रिलीफ फॉर एन एक्टर फॉर अ डायरेक्टर, आई थिंक दैट्स मोस्ट ग्रेटिफाइंग आस्पेक्ट कि नीता जी जो है रातों रात 200 लोगों के कॉस्ट्यूम्स भी चाहे वो
And abhi 200-200 logo ke costume bhi in one night she'll make. I don't know how she does it. And jo bhi hum logon ko feedback aa raha hai costumes ko leke, ke nothing is jarring. Costumes are absolutely period appropriate. So wo jo us tarah ka jo ek contribution hai, it's a big deal. Kyunki khoobsurat costume to aap कई डिज़ाइनर बना लेते हैं, मगर पीरियड अप्रोप्रिएट उसको रखते हुए उसमें कैरेक्टर डालना, इसके लिए एक अलग यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि नीता मैम इज़ सो गुड विद दैट.